है, मेरा नाम अजय राज है और मैं झारखंड से हूँ। और मेरा एक्सीडेंट 2006 में बाइक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से जो है इसका स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी और उसके बाद से गर्दन का नीचे का हिस्सा जो है पूरा पैरालाइज हो गया। तो उसके बाद घर पे ही रहा मैं, दो साल की ज़िंदगी जो थी वो बहुत ऐसी ज़िंदगी थी, लगती थी ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी ना रहे तो ही अच्छी है। घर के ऊपर भी बोझ, अपने आप पे भी, क्योंकि आप सोच सकते हो कि जिसका गर्दन का नीचे का हिस्सा पैरालाइज है वो लाइफ कैसी होगी, क्या होगी। घर वाले के अंदर भी बहुत सारा ये था कि पता नहीं क्या होगा, इसका लाइफ कैसे जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं, मुझे किसी ने बताया था कि आप दिल्ली जाओ, वहाँ पे कुछ सीखो, देखो, रिहैब लो, उसके बाद कुछ होगा। तो दिल्ली में मैंने कुछ दिन अपना रिहैब लिया, वहाँ से मैंने फिर देखा कि हमारे जैसे लोग भी जो हैं अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और अपना नाम कमा रहे। फिर मैं सोचा चलो जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं 10th पास किया था, 10th पास के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मैं सोचा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बात कर सकता हूँ, मेरा मैं अपने दिमाग का यूज करके अपना एजुकेशन आगे बढ़ा सकता हूँ। तो उसके बाद जो है मैंने एक दूसरे को देख के, सुनकर, समझकर मैंने अपना एजुकेशन आगे बढ़ाया और मैंने 2010 में 4 साल इंतज़ार करने के बाद कि मेरे हाथ में मूवमेंट आएगा या फिर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा तो मैं कुछ करूँगा। तो इन सब इंतज़ार करते करते थक गया, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने 2010 में अपना 11th का फॉर्म जो है अपने दोस्त लोग के सहारे भरवाया और 2012 में मेरा 12th कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन 2015 में कर ली। तब मुझे आस थी कि अब चलो ग्रेजुएशन हो गया, अब तक तो माँ बाप के सहारे अपना लाइफ जिया, एक जॉब की तलाश थी कि कहीं से एक सहारा मिलेगा तो मैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाऊँगा या जो भी कर पाऊँ। तो फिर चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने एक मौका दिया और आज मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में एज ए सोशल मीडिया इंचार्ज एंड FNB मैनेजर के पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में आने के बाद ही बोसिया टीम के जो जसप्रीत सर हैं उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये जो बोसिया गेम है वो क्या है, कैसे है। तो बड़ा ही खुशी महसूस हुआ अंदर ही अंदर कि चलो कुछ नहीं करने के, कुछ नहीं इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी मैं अपने लाइफ में एक स्पोर्ट्स का हिस्सा बन सकता हूँ। तो फिर उनके थ्रू मुझे ये बोसिया टीम के बारे में जानकारी लगी, गेम के बारे में पता चला, फिर मैंने देखा, समझा और उसके बाद से फिर मैं इसको खेलना शुरू किया। तो पिछले 2.5 साल से मैं इस गेम को खेल रहा हूँ और 2.5 साल में नेशनल भी खेला, उसमें मेडल भी आया और अब मैं इंडिया की तरफ से सिलेक्ट हो गया हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करने दुबई जा रहा हूँ, जो कि 14-20 के बीच में गेम होने वाला है। मेरा नाम निवरन पामा है, मैं मुकेरिया से, पंजाब से, लेकिन अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ अपनी फिजियोथेरेपी के लिए। मैं 23 इयर्स की हूँ, मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में MCM में पढ़ती थी, लेकिन जब मैं अपनी छुट्टियों में वापस घर जा रही थी तो मेरा बस एक्सीडेंट हो गया था, वो बस पेड़ में बच गई थी, तो उसकी वजह से मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। मेन इंजरी मेरी उसमें भी हुई थी, लेकिन मिसहैंडलिंग की वजह से जब वो हमें बाहर निकाल रहे थे तो उन्होंने मेरी गर्दन से पकड़ के मुझे इधर उधर मूव करा, उसकी वजह से ज़्यादा इंजरी का लेवल ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद मेरी स्टडीज़ में काफ़ी ब्रेक आ गई, क्योंकि आपको पता है ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वापस अपने इस पोजीशन में लाने के लिए, मैं अपने आप को इंडिविजुअली देख सकूँ। तो फिर उसके बाद अभी 1 साल के गैप के बाद फिर मैंने फिर से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करी हैं। अब मैं LPU से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, अपनी BA कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी 2019 में मेरा ख़त्म हो जाएगी ग्रेजुएशन। और फिर स्टडीज़ के साथ साथ, क्योंकि इसमें हमें अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना था
तो फिर मेरे को बोशिया टीम ने कांटेक्ट करा, उन्होंने बताया कि जैसे कि आपकी इतनी हाई लेवल ऑफ डिसेबिलिटी है तो उसके लिए आपके लिए गेम अच्छी रहेगी। उन्होंने मुझे इस गेम में इंट्रोड्यूस करा और फिर मैंने नेशनल खेला। मैं पिछले 1.5 ईयर से खेल रही हूँ और अब मैं इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ इस गेम में। मेरा नाम ब्रजेश यादव है, मुझे यूपी का रहने वाला हूँ और फिर मैंने 2002 में आर्मी ज्वाइन की थी और आर्मी में भी गेम काफ़ी खेला था और आर्मी में ही मेरे को ये सिकंदराबाद में मेरे को ड्यू लेवल का गेम खेलते समय क्रिसलिंग, उसमें मेरी गर्दन टूट गई। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद फिर मेरे को वहाँ से पुणे रेफर किया गया और पुणे में मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद पुणे में मैं कल 2016 में मेरा बोर्ड हुआ वहाँ से। उसके बाद मैं वहाँ से सीधे PRC मोहाली में एडमिशन लिया पंजाब में। यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि कैसे इस कंडीशन में भी हम गेम खेल सकते हैं, जैसे बोसिया गेम है और क्लब थ्रो एंड डिस्कस थ्रो भी होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें तो मेरे को नहीं मिला। लेकिन मैं इस साल मेरे को नेशनल में फर्स्ट मेरा पोजीशन आया BC4 कैटेगरी में, जिसमें जसप्रीत सर एंड दिल्ली सर इन लोग काफ़ी मेट वगैरह ने मदद किया और सपोर्ट किया हम लोगों को। कॉन्फिडेंस कुछ हमारा ऊपर आया था ताकि हम गेम खेल सके। और फिर इसी साल मैंने टेबल टेनिस भी खेला था, इंदौर में हुआ था नेशनल, तो उसमें मेरा थर्ड पोजीशन आया था। क्योंकि पंजाब में आने के बाद मैंने काफ़ी यहाँ से कुछ सीखा है और गेम के प्रति मेरा मोरल पूरा डाउन हो गया था, लेकिन फिर इन्होंने जसप्रीत सर सभी लोगों ने काफ़ी हौसला बढ़ाया हम लोगों का, फिर हमने दोबारा स्टार्ट किया। तो अभी मैं इंडिया में की तरफ से मैं प्रेजेंट करूँगा और मैं इंटरनेशनल मैच दुबई खेलने जा रहा हूँ। अभी ऊपर वाले से मैं कहता हूँ कि मैं हम जीत गए।